हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या मेजर बैरियर्स होते हैं, आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये लेसन 10 है आपका, जिसमें हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द यूज़ ऑफ सम मीडिया और मीडियम। ओके, तो ये आपका होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में अक्सर ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन हमेशा सक्सेसफुली हो सकता है कि उसकी क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस जो मैसेज का है वो इफेक्ट हो जाए, और उसका रीज़न होता है बहुत सारे। तो वो जो रीज़न होता है उनको हम बैरियर्स बोलते हैं। These barriers hamper the growth of communication and relegate it to the status of the conversation when feedback is not expected. तो basically ये जो barriers होते हैं आपके, ये hamper कर देते हैं उनकी growth को, जो growth of communication होती है। और ये कन्वर्जेशन जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता है बेसिकली, ठीक है। और इसका वो जो पर्पस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन का एक पर्पस होता है, जिस गोल की वजह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो पर्पस आपका फुलफिल नहीं होता है। इफ़ आइदर द स्पीकर और द लिसनर हैज़ प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग हिज फ्रिक्वेंसी विद द को इंटरैक्ट, बैरियर्स वुड ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड। तो कहीं पे भी हो सकता है, ये जो पर्सन मैसेज भेज रहा है, जो आपका एनकोडर है, और जो मैसेज रिसीव कर रहा है, मतलब रिसीवर जो है, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर जो है, डिकोडर जो है, ठीक है, ये सारे ही, मतलब इन किसी के ऊपर, मतलब दोनों ही जो पार्टीज़ हैं आपकी कम्युनिकेशन का, इन दोनों ही पार्टीज़ की वजह से बैरियर क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से भी बैरियर क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में मैसेज को क्रिएट किया जा रहा है, उस एनवायरनमेंट की वजह से भी बैरियर क्रिएट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे, मतलब कह सकते हो, सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम जो बैरियर होते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्रिएट होते हैं। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स की। तो पहला जो आपका बैरियर है वो है आपका सिमेंटिक बैरियर, जिनको हम लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं। तो ये जो टर्म है सिमेंटिक, इसका मीनिंग होता है लैंग्वेज। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में बोला जाता है सिमेंटिक बैरियर के बारे में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक। तो सिमेंटिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, आपको ये याद होना चाहिए। ओके, तो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट पीपल असाइन डिफरेंट मीनिंग्स टू वन स्पेसिफिक मैसेज। दिस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम विद मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड द सेंडिंग एंड रिसेप्शन ऑफ द मैसेज एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी बैरियर लैंग्वेज की वजह से क्रिएट होते हैं, मतलब जब हम मैसेज को भेजते हैं और लोगों को उसको, मान लीजिए कि जिस सेंडर ने रिसीवर को भेज दिया मैसेज, अब रिसीवर को उसका मीनिंग नहीं समझ में आया, या फिर उसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आई, या उसकी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो गई, या उसको जो अजम्पशन जिस वजह से वो मैसेज भेजा जा रहा है, जो अजम्पशन लगाई गई है, वो अजम्पशन क्लियर नहीं होता है, तो इन सारी वजह से जो जो भी बैरियर्स लैंग्वेज की वजह से अराइज होते हैं उनको हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं या फिर लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉल्टी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो सही लैंग्वेज नहीं है, मतलब जो सेंडर है उसने जो लैंग्वेज यूज़ की है, जो रिसीवर है वो लैंग्वेज वो नहीं जानता है, ठीक है। फिर होता है आपका डिफेक्टिव ट्रांसलेशन। मान लीजिए सेंडर ने मैसेज भेज दिया, बट रिसीवर ने उस मैसेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाया इफेक्टिवली। तो जब आपका ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, जो मीनिंग आएगी वो मीनिंग करेक्ट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि आप कभी कभी क्या होता है, कोई इंग्लिश का वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का कोई सेंटेंस है और उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो अगर कोई लर्नर है जिसको ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज आती है वो तो ईजिली उसका मीनिंग बता देगा, बट कोई ऐसा पर्सन जिसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो उस चीज़ों का जो मतलब इन्फर्ड मीनिंग होगा वो उस चीज़ को नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है अंडरलाइंग अजम्पशंस नॉट क्लियर। बेसिकली देखिए क्या होता है, जब आपका कोई मैसेज बनाया जाता है तो उसके बेस में कुछ अजम्पशंस होते हैं जिसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मान के चलते हैं। तो वो मानी हुई चीज़ें, जो अजम्पशंस हैं, वो अगर क्लियर नहीं होती हैं रिसीवर के माइंड में, तो भी लैंग्वेज जो है वो बैरियर क्रिएट हो जाता है और उस मैसेज का रियल मीनिंग नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स और जॉगन्स। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई भी मैसेज भेजा, जो रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसको वो टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं पता है जो कि आपने यूज़ किए हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट इवैल्यूएशन एंड मीनिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैसेज आप भेजते हो
तो सब कोई उस मैसेज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, अपने हिसाब से उसको इवैल्यूएट करता है। तो हो सकता है मैंने आपको कोई मैसेज भेजा है बट आपने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया या आपने उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर दिया। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और उसका रियल मीनिंग नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट आपके बैरियर्स होते हैं इंडिविजुअल बैरियर्स, जिनको हम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये साइकोलॉजिकल वर्ड से आता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स के वर्ड से आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि साइकोलॉजिकल बैरियर जो होगा वो आपका इंडिविजुअल बैरियर होगा या आपका इमोशनल बैरियर होगा। तो इंडिविजुअल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कि किसी के सोच की वजह से या किसी के एक्ट करने की वजह से क्रिएट होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप में कोई मतलब फिजिकल एलिमेंट है या हैंडीकैप्स है कोई, तो उसकी वजह से भी ये इंडिविजुअल बैरियर क्रिएट हो जाता है। इट आल्सो बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल स्किल्स इन रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट वुड इंक्लूड पुअर लिसनिंग एंड इम्प्रॉपर रीडिंग स्किल्स एंड एडवर्स साइकोलॉजिकल कंडीशन। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई मैसेज भेजा और उस टाइम पर आपने उस चीज़ को मैसेज को सुना नहीं ढंग से, ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है बैरियर क्रिएट हो जाए। या फिर मैंने आपको मैसेज भेजा बट आप इमोशनली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे थे। मैंने आपको कोई चीज़ बोली और उस वक्त आप कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे थे, तो इस वजह से आपको मैसेज समझ में नहीं आएगा, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो अगेन ये बैरियर होता है। इसमें कुछ जो टाइप्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, जब हम चीज़ों को सुनने से पहले ही उनको इवैल्यूएट कर लेते हैं, हम पूरी बात सुनते नहीं हैं बट उससे पहले ही हम इवैल्यूएट कर लेते हैं कि इसका मीनिंग ये होगा। नेक्स्ट हम अटेंशन जब नहीं देते हैं या हम बहुत ज़्यादा इन अटेंटिव रहते हैं, ठीक है, जब हम अटेंशन नहीं देते हैं किसी चीज़ पे तो भी बैरियर क्रिएट होता है। उसके अलावा आपका आता है लॉस इन ट्रांसमिशन, मान लीजिए मैसेज भेजा जा रहा है तो उस टाइम पे क्या लॉसेज हुए, मतलब मैंने आपको मैसेज भेजा बट आपने वो जो मीडिया है जो यूज़ हो रहा है उसमें कुछ वर्ड्स हैं वो ड्रॉप हो गए या फिर आपने उसको मीनिंग गलत समझ ली, तो इसको भी हम लॉस इन ट्रांसमिशन कहते हैं कि जिस ट्रांसमिट करते वक्त जो मैसेज का लॉस हुआ। ओके, फिर आपका आता है अंडर रिलायंस ऑन रिटन मैसेज, मान लीजिए कि आपने जो रिटन मैसेज मैंने आपको भेजा है उस पर आप रिलाय नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको लग नहीं रहा है कि रिलायबल सोर्स से आया हुआ है या आपको ऐसा लग रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका ये बैरियर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद फेलियर होता है कम्युनिकेशन का, हो सकता है कम्युनिकेट करते वक्त पूरा प्रोसेस ही नहीं कम्प्लीट हुआ हो, मैसेज अच्छे से एनकोड ना हुआ हो या डिकोड ना हुआ हो, तो ये भी एक फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ये भी एक बैरियर होता है। नेक्स्ट आपका होता है फिल्टरिंग क्या होता है, फिल्टरिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम मैसेज तो पूरा सुनते हैं बट हम उसमें से सिर्फ उन पे कंसंट्रेट करते हैं, उन पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करते हैं जो हमसे रिलेटेड होते हैं, उसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम उसको हटा देते हैं या उसको फिल्टर्ड कर देते हैं। तो जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं किसी मैसेज से, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो हमें उसका पूरा जो उसका अर्थ होता है मैसेज का वो हमें कम्प्लीटली पता नहीं होता है, तो अगेन ये एक बैरियर होता है। नेक्स्ट है आपका आइदर और थिंकिंग, जब आप किसी भी सिचुएशन में आप सोच रहे होते हो और उस सिचुएशन पे आप ध्यान नहीं देते हो, कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते हो, तो अगेन ये एक जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। अब अगेन ये प्रॉब्लम आपका सेंडर एंड रिसीवर दोनों के लिए है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप बैरियर के बारे में बात कर रहे हो वो किस पे अप्लाई होगा, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। देन अजम्पशंस अगर क्लियर नहीं होते हैं तो अगेन आपका बैरियर क्रिएट हो जाता है, मतलब इमोशनली आप क्या चीज़ अज्यूम करके चल रहे हो, साइकोलॉजिकली आप क्या चीज़ अज्यूम करके चल रहे हो मैसेज के थ्रू, तो ये भी आपका एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है स्नैप रिएक्शन, स्नैप रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब हमें लगता है कि हम इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, हमें लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो कोई ज़रूरी कम्युनिकेशन नहीं है और हमने इसको ध्यान से सुना तो भी हमें कुछ इससे मिलने वाला नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं स्नैप रिएक्शन। तो स्नैप रिएक्शन भी एक बैरियर होता है। नेक्स्ट आपका है डिफरिंग परसेप्शन, डिफरिंग परसेप्शन वो सिचुएशन होती है जब हम अपने परसेप्शन को मतलब सबके जो सबका ओपिनियन होता है जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग होता है, तो अगेन मेरा परसेप्शन कुछ और था, मैंने आपको मैसेज भेजा, आपका परसेप्शन कुछ और है, आपने मैसेज सुना, तो हो सकता है आप उस चीज़ पे रिलाय ना करो, आप उस चीज़ को गलत तरीके से समझो, तो अगेन ये आपका एक आप एक कह सकते हो कि एक बैरियर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो कि किसी भी तरीके से मेंबर्स के बीच में क्रिएट होते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के
में क्रिएट होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरीके के बैरियर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो फिजिकल डिस्टेंस है मेंबर्स के बीच में, या फिर उनके बीच का जो रिपोर्टिंग स्टेटस है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, उनका जो अथॉरिटी है, उनके पावर जो है उनके बीच में, या उन्होंने जो अलग अलग सब जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके जो वैल्यू सिस्टम है या ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। अब इनमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड आ सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी डिपेंड करता है कि आपका मैसेज का बैरियर क्रिएट होगा या नहीं होगा। मान लीजिए आपने कोई मैसेज भेजा और आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, तो अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी ऐसा मैसेज नहीं भेज सकते हो जो कि फ्रेंडली हो या जो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल मैसेजेस नहीं भेजे जा सकते हैं, तो अगेन ये एक बैरियर है। देन ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशन, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में है कि आप इस तरीके से डियर करके किसी को, आपकी बहुत ही अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन और उसमें है कि आप डियर करके किसी को नहीं भेज सकते हो मेल, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे डियर करके मैसेज नहीं भेजोगे। तो हो सकता है जो सेंडर रिसीव कर रहा है वो ये सोच रहा हो कि आपका जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है, आप हम्बल नहीं हो, ठीक है, तो अगेन ये क्या होगा, ये बैरियर होगा। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक मतलब आप कह सकते हो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा रही हूँ। देन आपका होता है स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप, तो कैसी रिलेशनशिप है वहाँ पे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके और आपके कलीग्स के बीच की कैसी रिलेशनशिप है, आपके और आपके सुपरवाइजर के बीच कैसी रिलेशनशिप है। मान लीजिए एक पर्सन है और उसका सुपरवाइजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर टाइप का नेचर है उसका, तो वो क्या उससे ओपनली बात कर पाएगा, ऑफकोर्स वो उससे ओपनली बात नहीं कर पाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप का स्टेटस होता है अगेन एक हैम्पर कर देता है आपके कम्युनिकेशन को और एक एज अ बैरियर यहाँ पे एक्ट करता है। देन आपका आता है स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज। अब स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्या हो, आप एक लेवल पे मैनेजमेंट में मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो और आपको कोई मैसेज भेजना है सीईओ को, तो क्या आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हो? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को अलाउ करती है तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को नहीं अलाउ करती है तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हो। देन आपका आता है इन एजुकेट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स ही नहीं है, आप लोगों आपके पास प्रॉपर मेल का मतलब आप मेल नहीं कर सकते, आपके खुद के इंडिविजुअल मेल्स नहीं है, तो इस सारी सिचुएशन में भी क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब आपका कम्युनिकेशन है वो इम्पैक्ट होता है या फिर इफेक्ट पड़ता है उस पर। देन आपका आता है नॉइज़। मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सेस नॉइज़ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर भी आप कम्युनिकेशन जब करते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसका मैसेज जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट आपके बैरियर्स हैं क्रॉस कल्चरल बैरियर। तो मैंने ऑलरेडी क्रॉस कल्चरल के बारे में आपको बताया था, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम ये भी बोल रहे थे कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो डिफरेंट कल्चर्स के बीच में आपस में डिफरेंस मतलब डिफरेंट कल्चर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, या आप इनको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो ये जो इस तरह की कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो अगेन जब सबका डिफरेंट कल्चर होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है आप किसी को कोई चीज़ से कम्युनिकेट कर रहे हो बट वो पर्सन उस चीज़ को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग देख रहा है, उस चीज़ को वो मतलब सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे आप मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे हम प्रोडक्ट के लोगों को चेंज कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का कल्चर उसको अलाउ नहीं करता है। जैसे आपने स्टारबक्स का कभी लोगो देखा होगा, तो वहाँ पे स्टारबक्स के लोगो में मरमेड बनी हुई है, ठीक है, मरमेड जो आपका स्टारबक्स का लोगो है ये क्या है कि मतलब बेसिकली आपको सारी ही कंट्री में मतलब पूरे अराउंड द वर्ल्ड आपको एक मर्मेड मिली रहेगी, जिसको हम कहते हैं आई डोंट नो उसको जलपरी टाइप की, ठीक है, जलपरी बनी रहती है लोगों में स्टारबक्स के। बट अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाइए या फिर सऊदी अरेबिया वगैरह में जाइए तो वहाँ पे सिर्फ क्राउन बना रहता है, मतलब एक सिर्फ शक्ल बनी रहती है उसकी, कुछ सिर्फ फेस बना रहेगा मर्मेड का, ना कि पूरी होल बॉडी बनी रहती है। तो ये क्या है, ये बिकॉज ऑफ कल्चरल जो आपका मतलब जो वेरिएशन है, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं
उनकी वजह से यहाँ पे हम मतलब हमारा बैरियर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे अलग मीनिंग हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलग मीनिंग शो कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो सारे कल्चर्स होते हैं, जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ये आपके क्रॉस कल्चरल बैरियर क्रिएट करते हैं। तो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, हो सकता है जो टाइम के बीच में मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री के बीच में जो टाइम गैप है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बैरियर क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए जब मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं जब लाइव आती हूँ तो मैं आपको टाइमिंग हमेशा लिख कर देती हूँ कि IST इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, IST टाइम के अकॉर्डिंग हम वीडियो इस टाइम पे अपलोड करेंगे या इस टाइम पे लाइव आएंगे। तो ये क्या है, ये टाइम बैरियर है कि अगर मैं अपने टाइम पे आपको अपलोड करूँगी तो वो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितने टाइम पे आप वहाँ पे उस वीडियो को देखोगे या किस टाइम पे आप वहाँ पे लाइव आ सकते हो। तो ये जो टाइम गैप होता है या ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से या जो कल्चरल गैप होता है, ये सारे आपके ज्योग्राफिक बैरियर्स आते हैं, ये क्रॉस कल्चरल बैरियर्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर्स आपके वो बैरियर्स होते हैं जो कि किसी रिलेशनशिप की वजह से क्रिएट होते हैं, वैल्यूज सिस्टम की वजह से क्रिएट होते हैं या एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी वजह से क्रिएट होते हैं। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई एक बैरियर आपके दो अदर मोड्स में भी आ जाए, दो अदर टाइप्स ऑफ बैरियर में भी आ जाए। तो ये बस आपको रिलेट करना है कि ये बैरियर किस चीज़ से क्रिएट हो सकता है। हो सकता है किसी भी कैरियर के, किसी भी टाइप के बैरियर की हम बात करें, जैसे हम जागोन की बात करें, टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें, तो जागोन कौन है, आप क्या चीज़ है, आपका लैंग्वेज बैरियर में भी आएगा और ये जो टेक्निकल बैरियर है इसमें भी आएगा। तो इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ जो आपके बैरियर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स में भी आ सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो भी ऐसा बैरियर होता है जो रिलेशनशिप पे फॉर्म करता है या वैल्यू सिस्टम पे फॉर्म करता है या एटीट्यूड की वजह से क्रिएट होता है या जो हिंडर करता है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन और वैल्यू सिस्टम, तो उन सारे बैरियर्स को हम इंटरपर्सनल बैरियर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल चैनल या फिर मीडिया बैरियर होता है। फिजिकल बैरियर या मीडिया बैरियर या फिर चैनल बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जो कि डिस्टेंस की वजह से होते हैं, नॉइज़ की वजह से होते हैं या फिर चैनल या फिर मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से होते हैं। तो जब भी कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस या एक्यूरेसी इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द फिजिकल बैरियर्स सच एज डिस्टेंस, नॉइज एंड चैनल और द मीडिया यूज इन द प्रोसेस, उन सारे बैरियर्स को हम बोलते हैं फिजिकल, चैनल एंड मीडिया बैरियर्स। इन दिस कैटेगरी प्रॉब्लम्स दैट कन्फ्रंट द मीडिया यूज इन द प्रोसेस, इन दिस कैटेगरी प्रॉब्लम्स दैट, तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम्स दैट कन्फ्रंट द इशू ऑफ हाउ बेस्ट द कम्युनिकेशन और मैसेज आर इंक्लूडेड। तो हम इसमें बेसिकली ये देखते हैं किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से मैसेज को कम्युनिकेट किया गया है। तो हो सकता है इस सारे प्रोसेस में हो सकता है ऐसा हो कि आपका जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो प्रॉपरली आप कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द दिस चैनल बैरियर। ओके, नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स आपके वो बैरियर्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से जनरेट होते हैं या फिर किसी भी तरह की, मान लीजिए आप कह सकते हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है और उस टाइम पे मतलब आपका जो मैसेज आप भेज रहे हो वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको एक बैरियर देखना पड़ेगा या एक बैरियर आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके के सारे बैरियर्स जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट होते हैं उनको हम टेक्नोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। देन हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है कि कैसे हमें कम्युनिकेशन बैरियर को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, आपको एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल शुड बी यूज टू ट्रांसफर आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल आपको यूज़ करना चाहिए। वन शुड ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब आपका एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसके अलावा आपको डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज एंड वैसे वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए जिनका कोई मतलब द वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मीनिंग, वैसे वर्ड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको डायरेक्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और आपको सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपके जो डिफरेंट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के उनमें फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हर तरीके से इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मतलब जो भी आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है, अगर आप रिसीवर हो तो आपको प्रॉपरली उसको लिसनिंग करनी चाहिए, उसकी प्रॉपरली उसको सुनना चाहिए और उसके बाद ही आपको कोई फीडबैक देने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप जो जितने भी कम्युनिकेशन बैरियर हैं उनको आप ओवरकम कर सकते हो। आई होप आपको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।